स्टूडेंट्स क्लास 10 वेलकम इन माय क्लास। काफी दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम लोग डिस्कशन वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे थे। एक्सरसाइज हमने 3.6 स्टार्ट किया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है केवल, उसी में हम सेकंड पार्ट समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास है देखा जाए तो 2/√x प्लस, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल टू 2। सेम कंडीशन में 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y। देखिए रूट एक्स और रूट वाई को हम क्या करें, अगर हटा दें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेट कर लेता हूं 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ 2 1/√x की वैल्यू a प्लस 3b इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब ये क्या होगा, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 इक्वेशन सेकेंड। फिर से समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, हम इसको 2 × 1/√x 3 × 1/√y 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y। देखिए ये टर्म आपका जो है इसको हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, 1/√x को a लेट कर लिया और 1/√y को b, दिस इज 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। देखिए 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। 3 × 2 = 6a, 3 × 3 = 9b, 3 × 2 = 6, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 9b प्लस 9b माइनस 9b कैंसिल, 6 प्लस 4 10a, 6 माइनस 1 5, a इक्वल टू 5/10, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, 3b इक्वल टू 2 माइनस 1, 3b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा इसी में आ गए, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3। फिर देखिए बट हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y। सिंपल सा है, हमने लेट क्या किया है 1/√x, मतलब ये हुआ 1/√x इक्वल टू a, a का मतलब 1/3 एंड 1/√y इक्वल टू b का मतलब 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रूट एक्स इक्वल टू 2 और यहां से आ जाएगा √y इक्वल टू 3। बट एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, इसको क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √x का स्क्वायर
इक्वल टू 4 और रूट वाई का स्क्वायर 9, तो यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू आपका 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिएगा ये चैप्टर आपका फिनिश की ओर है, लगभग लगभग मैक्सिमम चीजें हो चुकी हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अब सॉरी सेकेंड पार्ट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसी में आसान क्वेश्चंस हैं, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, सारे पार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं आज ही। देखिएगा थर्ड पार्ट है, है 4x। देखिएगा थर्ड पार्ट है, यहां भी आसानी से हम कर सकते हैं 4x को 4 × 1x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3 × 1x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहां भी क्या करेंगे, लेट 1x इक्वल टू a ओनली, दिस इज 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23 सेकेंड इक्वेशन। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से, 4 × 4 = 16a प्लस 12y, 14 × 4 = 56, 3 × 3 = 9a, 3 × 4 = 12y, 23 × 3 = 69। फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकेंड, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एड करेंगे, तो सिंपल सा आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। देखिएगा जब ऐड करेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल, 16 + 9 = 25, ये आ जाएगा 125, a इक्वल टू 125 upon 25, 25 5, a की वैल्यू क्या आ गई 5। a की वैल्यू किसी क्वेश्चन पुट कर दीजिए, 4 × 5 + 3y इक्वल टू 14, 4 × 5 तो 3y इक्वल टू क्या आएगा 14 माइनस 20, 3y इक्वल टू माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2 और a इक्वल टू क्या 1 upon x इक्वल टू a का मतलब 5 upon 1, तो 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 upon 5, ये आपके आंसर्स हो गए x और y। क्लियर है, इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट हम इसको अगर लिखना चाहे ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1 upon x - 1, 1 × 1 upon y - 2, सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, लेट 1 upon x - 1 इक्वल टू a, 1 upon y - 2 इक्वल टू b, उसके अकॉर्डिंग 5a + b इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन, 6a - 3b इक्वल टू 1 ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, b के कोफिशियंट बराबर करने के लिए 3 से इंटू करेंगे, 3 × 5 = 15a प्लस 3b, 3 × 2 = 6, 6a - 3b इक्वल टू 1, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा एड, ये कैंसिल, 21a इक्वल टू 7, a इक्वल टू
सेवन अपॉन 21, ए की वैल्यू क्या आ गई 1/3। समझ आ रहा है? देखिएगा 5 × 1/(x-1) इसको मैंने a लेट कर लिया, 1/y-2 को b लेट कर लिया, तो 5a + b = 2, 6a - 3b = 1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट करके आप b की वैल्यू निकाल लिए 5, ठीक है। देखिएगा 5 × a, a का मतलब क्या है 1/3 + b = 2, तो b इक्वल टू क्या आएगा 2 - 5/3, b = 3×2=6 - 5/3, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3, a की वैल्यू भी 1/3 और b की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। तो उसके बाद लेकिन हमें निकालना क्या है x और y, इसके लिए आते हैं फिर से, जिसको हमने लेफ्ट किया है यहां से वर्क करेंगे। (1/x-1), a मतलब 1/3, 1/y-2 = 1/3, (x-1) = 3, (y-2) = 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, (x = 3+1) एंड (y = 3+2), ये रिजल्ट आ जाएगा (x = 4) एंड (y = 5). ये इसका आपका फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन रहा। इसमें ये 4 पार्ट आप तक आज आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।